कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है। और अल्लाह ताला से आप सबके लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी अपनी हिफाजत में रखे, आप जहाँ कहीं भी रहें बिल्कुल हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। इसी खूबसूरत बात के साथ वेलकम है आपका आपके अपने चैनल लवली स्वीट होम चैनल में। और लवली स्वीट होम चैनल के किचन में आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं आलू अंडे की रेसिपी, जो कि बनाना इंतहाई आसान है। मैं अपने स्टाइल में कैसे बनाऊंगी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ मेरे पास एक बाउल में तकरीबन हाफ के जी के करीब आलू, जिनको ऐसे मैंने कटिंग में काटा हुआ, ये देखें आप, ठीक है। आप इनकी गोल कटिंग भी कर लें जैसे आपको अच्छा लगता है। एक मेरे पास है नॉर्मल साइज का, यानी कि मीडियम साइज का टमाटर, जिसको मैंने ऐसे गोल कटिंग में काट लिया है। दो मेरे पास है मीडियम साइज में प्याज, उनकी भी ऐसे मैंने मोटी मोटी जो है वो कटिंग की हुई है, ये देखें, ठीक है। और चार से पांच सब्ज मिर्चे हैं। इस रेसिपी में जो है वो मैं लहसुन और अदरक का इस्तेमाल नहीं करूंगी। आपको अगर पसंद है तो आप करें, लेकिन मैं जब भी आलू अंडे की ये रेसिपी बनाऊं उसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल नहीं करती। तो चलें जी, चार अदद मेरे पास अंडे हैं, ये मेरे पास चार अदद अंडे हैं जिनको मैंने ऐसे फेंट लिया है, और इनमें कोई भी ड्राई पाउडर मसाले मैंने ऐड नहीं किए। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले टमाटर। आपने मेरे स्टाइल से आलू अंडे की रेसिपी बनानी है, फिर कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। साथ ही इसमें प्याज और सब्ज मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्सिंग करते हैं अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी, अंडों के अंदर हमने प्याज टमाटर और सब्ज मिर्चें जो है मिक्स कर ली हैं, ये देखें आप, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आलू हैं। चलें जी, अब इनको कुक करने का स्टेप्स जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। चलें, यहाँ पे हम अपनी फ्लेम की जानी आ चुके हैं। बर्तन मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, इसमें ऐड करेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ इसमें ऐड करूंगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने तकरीबन एक ग्लास के करीब पानी लिया है, ज्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना। ये हल्की आंच पे इसी पानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। मिक्सिंग कर देती हूं आलूओं की। थोड़ा सा इनको जो है वो पकने का वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप की जानिब जाएंगे। चलिए, यहाँ पे जो हमारे पैटर्स हैं वो पकना शुरू हो चुके हैं। इसी पॉइंट में इसमें ऐड करना शुरू करेंगे ड्राई पाउडर मसाले, जिसमें है नमक खाने का आधा चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला खाने का आधा चम्मच, साबुत जीरा फुल भरा हुआ चम्मच, रेड चिली पाउडर खाने का एक फुल भरा हुआ चम्मच, हल्दी खाने का एक फुल भरा हुआ चम्मच, साबुत धनिया, साबुत सूखा धनिया भी इसमें मैंने जो ऐड कर दिया था एक चम्मच। चलें जी, इसके अच्छे तरीके से ड्राई पाउडर मसालों की मिक्सिंग कर लेते हैं, और इस पानी के बिल्कुल ड्राई होने का वेट करते हैं। जैसे पानी ड्राई होगा नेक्स्ट स्टेप की जानिब जाएंगे। चलें जी, यहाँ पे हमारे आलूओं का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। इसी पॉइंट में इसमें ऐड करेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक फुल भरा हुआ जो खाने का चम्मच है, ये मैंने इसके अंदर जो है वो घी का इस्तेमाल किया है। मिक्सिंग करते हैं अच्छे तरीके से इसकी। चलें जी, आलूओं के अंदर घी की मिक्सिंग होगी। इसी पॉइंट में इसमें ऐड करेंगे अंडे, जिसके अंदर मैंने प्याज टमाटर और सब्ज मिर्चों का इस्तेमाल किए हैं, और ऐसे अच्छे तरीके से सारे आलूओं के ऊपर इनको जो है वो फैला देंगे। आंच मैंने बिल्कुल स्लो सी रखी हुई है, हाई फ्लेम आपने हरगिज नहीं करनी। अच्छे तरीके से ये देखें आप, मैंने सारे अंडों का मैदा जो है वो आलूओं के ऊपर फैला दिया है। अब हम इसको तकरीबन ढकेंगे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बाद इसकी जो है वो साइड चेंज करेंगे। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं, इसकी साइड को चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी, मिक्सिंग मैंने कर दी है, साइड चेंज कर दी है। अब 10 मिनट का टाइम हम इस साइड को भी देंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो हमारे प्याज है वो गल जाए। हमने प्याज को ज्यादा कुक नहीं करना, ये थोड़े से क्रंची अच्छे लगते हैं इस रेसिपी में। तो चलें जी, 10 मिनट बाद इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे जी, हमारा आलू अंडे का मजेदार सा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। फाइनल लुक आप इसकी देख लें, बहुत करीब से दिखा रही हूँ आपको मैं। सब्ज़ धनिया मेरे पास कीप है, आप वो भी जरूर ऐड करिएगा।
उम्मीद है जी आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलती हूँ इसी दुआ के साथ कि अपना और अपने इर्द गिर्द के रहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।